अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चेन्नई का रहने वाला 19 साल की उम्र का जगदीश वरन, जो दो मर्तबा नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसने 12 अगस्त 2023 को सुसाइड कर लिया। जगदीश वरन की सुसाइड पर इतनी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट आज सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन जब जगदीश वरन की लाश की आखिरी रसूमात अदा करके उसके पिताजी, उसके वालिद, उसके पापा घर पहुँचे, तो उसके पापा ने, उसके फादर ने भी सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ऐसे कई वाकयात आज इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट के सुसाइड का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुसाइड की अगर ओवरऑल बात किया जाए तो पूरे दुनिया के अंदर 800,000 लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, यानी हर 40 सेकंड के अंदर एक आदमी अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है। इंडिया की अगर बात की जाए तो हर साल यहाँ पर 100,000 लोग सुसाइड करते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2017 के अंदर 9,905 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, लेकिन 2021 के आते आते ये फिगर 9,000 से बढ़कर 13,090 तक पहुंच गया। यानी 4 साल के अंदर फिगर कहां से कहां तक पहुंच गया, 4 साल के अंदर 32% स्टूडेंट के सुसाइड के अंदर इजाफा हुआ। यानी आज की पोजीशन ये है दोस्तों कि हर 42 मिनट के अंदर एक स्टूडेंट इंडिया के अंदर सुसाइड कर लेता है। NCRB ही का जब दूसरा डाटा अगर देखा जाए तो साल 2021 के अंदर इंडिया में 1,64,000 लोगों ने सुसाइड किया। आप हैरत करेंगे इस बात को सुनकर कि इस 1,64,000 में से 10,732 जो सुसाइड करने वाले थे उनकी उम्र 18 साल से कम थी, और तकरीबन 56,500 लोग ऐसे थे सुसाइड करने वाले जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान में थी। आपको ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया के अंदर 15 से 30 साल के दरमियान के जो नौजवान सुसाइड करते हैं उसके अंदर इंडिया सबसे आगे है। NCRB ही ये डाटा पेश करता है कि 2022 के अंदर तेलंगाना में स्टूडेंट का सुसाइड फार्मर सुसाइड के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा था। हम सिर्फ किसान आत्महत्या के बारे में सुनते हैं और पूरी इंडिया के लोग किसान आत्महत्या के बारे में जानते हैं, लेकिन तेलंगाना में एक साल में जितने स्टूडेंट ने सुसाइड किया वो फार्मर सुसाइड के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा था। राजस्थान का शहर कोटा, जिसे कोटा फैक्ट्री कहा जाता है, जिसे अब कातिल शहर भी कहा जाने लगा है, जस्ट पिछले साल में 2023 में जनवरी से अगस्त के दरमियान में तकरीबन 22 लोगों ने सुसाइड कर लिया। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने, मैंने खुद वो न्यूज़ पढ़ा है, इन शॉर्ट में उसने बाकायदा उसको ये ऑर्डर देने पड़े कि कोटा के अंदर जितने स्टूडेंट रेंट पर रहते हैं, चाहे वो पेइंग गेस्ट हाउस हो चाहे हॉस्टल हो, तो वहाँ के जो फैन रहेंगे उस फैन को स्प्रिंग लगाया जाएगा। कितनी हैरत की बात है, ये सुसाइड का प्रमाण इतना बढ़ गया है कि ऑर्डर देना पड़ा है गवर्नमेंट को कि पंखों के स्प्रिंग लगाया जाएगा। क्योंकि अक्सर जो लोग सुसाइड करते हैं वो फांसी लेकर पंखे से लटक कर सुसाइड करते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जो लोग किसी डिग्री या किसी ग्रेजुएशन, किसी को MBBS करना है या किसी को NIIT और IIT में एडमिशन लेना है, तो वो लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बल्कि ऐसे भी कई वाकयात हो रहे हैं जिनके एडमिशन हो चुके हैं, जो IIT में एडमिशन ले चुके हैं, NIIT में एडमिशन ले चुके हैं, MBBS में उनको एडमिशन दाखिला मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर भी सुसाइड का रेशो बढ़ रहा है। 22 अप्रैल 2023 की ये न्यूज़ है कि IIT चेन्नई में, एक कॉलेज की बात की जा रही है, IIT चेन्नई में एक महीने के अंदर 4 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। एक दूसरी रिपोर्ट है कि बेंगलोर के एक बड़े कॉलेज में, मैं नाम नहीं लूँगा, बेंगलोर के एक बड़े कॉलेज में 6 महीने के अंदर 4 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को ये ऑर्डर देना पड़ा कि जितने रूम से वहाँ से पंखे हटा लिए जाएं, क्योंकि उन 4 में से 3 स्टूडेंट ने फांसी लेकर पंखे से लटक कर सुसाइड किया था। दोस्तों, ये आंकड़े और ये फिगर सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह गई हो, आप दंग रह गए हो, लेकिन ये आज हमारे देश का, भारत का एक सुलगता हुआ इशू है। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टूडेंट सुसाइड बढ़ गया है, एजुकेटेड जो लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करते हैं, हमने इंडिया के फिगर्स आपके सामने पेश किए। दोस्तों, अगर इस सैलाब पर अगर बंद नहीं पाना गया, इसको अगर रोकने की अगर कोशिश नहीं की गई,
तो ये कहाँ जाकर रुकेगा, हम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो आखिर क्या वजह है, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्टूडेंट आज सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, और इस हद तक उनका डिप्रेशन बढ़ रहा है कि उनको अपने हाथों से अपने जान लेना पड़ रहा है। तो हम उन रीजंस को हम देखते हैं। सबसे पहला रीजन ये है स्टूडेंट सुसाइड के पीछे, एकेडमिक प्रेशर। आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट आज जो एजुकेशन हो गया वो कॉम्पिटिशन हो गया है। एक स्टूडेंट को जब वो एडमिशन लेता है किसी कोर्स के अंदर, किसी कोचिंग क्लासेस के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, तो उसको अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। हर महीने मार्क्स लगने वाले मार्क्स, अगर उसको मार्क्स कम मिलते हैं तो वो स्ट्रेस में पड़ जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। जो मार्क्स की रिपोर्ट उसके घर में दी जाती है उसको लेकर वो परेशान रहता है। दूसरे जो रूटीन होता है, सख्त किस्म का जो रूटीन होता है, वो भी स्टूडेंट को डिप्रेस करता है, उनको जो है परेशान करता है। एक स्टूडेंट जिसको बाकायदा शेखावत जो मेडिकल कॉलेज कोटा के एक साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो 16 घंटे पढ़ाई करें। फिर वो कहते हैं कि हर स्टूडेंट तो 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता है। जब वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको कम मार्क्स आते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होता है, वो मायूस हो जाता है और उसकी एंजाइटी के अंदर इजाफा होता है। आप देखें कि दूसरी जो बात है एकेडमिक प्रेशर के हवाले से, कि हर वालिदैन अपने बच्चों से खूब ढेर सारी एक्सपेक्टेशन उन्होंने कर ली है कि हमारा बच्चा बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, उसको एडमिशन मिलेगा या मिलना चाहिए तो उसको NIT में और IIT में ही उसको एडमिशन मिलना चाहिए, वरना इससे कम पर वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। निधि प्रसाद एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, वो कहती है कि माँ बाप जब अपने बच्चों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं और अपनी उम्मीदें उनके ऊपर थोप देते हैं, तो उस वक्त वो ये नहीं देखते हैं कि उनका बच्चा इसका अहल है या नहीं है, उनका बच्चा उनकी उम्मीदों और आरजुओं का बोझ उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। तो जब वो ऐसी एक्सपेक्टेशन उनसे वाबस्ता करते हैं और बच्चे जब अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरते हैं, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और सुसाइड उनके पास एक आखिरी ऑप्शन होता है। ये जो नंबर्स की जो दौड़ है दोस्तों, इसके अंदर ज़िंदगी हार जाती है। और आज हमारी सोसाइटी के अंदर नंबर्स को अप्रिशिएट करते हैं, रिजल्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो एफर्ट्स होते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। अभिषेक ने अपने माँ बाप को कोटा से एक लेटर लिखा और उसने कहा कि मम्मी पापा, मैं रोज़ाना 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ लेकिन इसके बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। लिहाजा एक टेस्ट में जब उसको 50 में से 35 मार्क्स आए और वो मार्क्स क्लास में सबसे कम थे, तो उसने अपने माँ बाप को ये लेटर लिखा कि मम्मी पापा, मैं आपके ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकता, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। और उसने ये लेटर लिखने के बाद सुसाइड कर लिया। तो ये पहला रीज़न है एकेडमिक प्रेशर। दूसरा बड़ा रीज़न सुसाइड के पीछे वो मेंटल हेल्थ का है, कि लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और जब ये मेंटल हेल्थ, ये मेंटल डिसीज़ जो अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचती है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। आज दुनिया की अक्सर आबादी की अगर मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर जायज़ा लिया जाए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ये कहती है कि मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 50% लोग कभी ना कभी नफ्सियाती अमराज का शिकार होते हैं। एक साल में 25% आबादी ऐसी होती है जो साइकोलॉजिकल डिसीज के अंदर मुब्तला होती है। दुनिया का हर चौथा शख्स कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार होता है। WHO के मुताबिक दुनिया में जो लोग मरते हैं, अमवात होती है, पहला रीज़न तो दिल की बीमारियां हैं और दूसरा बड़ा रीज़न लोगों के मरने का वो मेंटल हेल्थ की वजह से होता है। अर्जुन कपूर जो सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ में रिसर्च फेलो है, वो कहते हैं कि जितने लोग सुसाइड करते हैं उसमें 50% से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ की वजह से सुसाइड करते हैं। दोस्तों आज हमारे सोसाइटी के अंदर मामूली फिजिकल बीमारियों का, अगर एक जुकाम आ जाए तो एक आदमी फौरन से दवाई ले लेता है, लेकिन एक आदमी, एक स्टूडेंट जो दिमागी बीमारियों के अंदर मुब्तला है, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो एंजाइटी में है, वो स्ट्रेस में है, वो टेंशन में, वो फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन उसके क्योर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई ख़ास आज हमारे सोसाइटी के अंदर उसका इंतज़ाम नहीं होता है। तो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट सुसाइड करते हैं वो मेंटल हेल्थ की वजह से करते हैं। तीसरा रीज़न जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स का है। फैमिली प्रॉब्लम्स मतलब ये
कि अगर उनके माँ बाप की आपस में रिलेशनशिप अगर सही नहीं है, आपस में झगड़े होते हैं या तलाक उनका अगर होता है, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कि जिनके माँ बाप के सही ताल्लुकात नहीं होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर जो घर में अगर वायलेंस हो, घर में झगड़े अगर हो, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। तीसरी जो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है, माशी तौर पर घर वाले कर्ज में हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, अपना घर गिरवी रख लेते हैं, जेवरात गिरवी रख लेते हैं, तो ऐसे बच्चे स्ट्रेस का और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। चौथा जो रीज़न है स्टूडेंट सुसाइड के पीछे, वो है बुलिंग। यानी अगर किसी स्टूडेंट को, अगर उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई जाए, उसको उसकी बेइज्जती की जाए, उसको इंसल्ट किया जाए, उसको उसका मजाक उड़ाया जाए, चाहे वो किसी भी बुनियाद पर हो सकता है, अगर वो दिखने में अगर अच्छा नहीं है, उसकी हाइट अगर कम है, उसकी आवाज़ अगर सही नहीं है, या कास्ट की बुनियाद पर अगर किसी की इंसल्ट किए जाए, धर्म और जाति की बुनियाद पर अगर किसी का मजाक उड़ाया जाए, तो ऐसे स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेते हैं, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। दूसरा, इसी के अंदर ये बात भी शामिल है कि आज साइबर बुलिंग भी बहुत बढ़ गई है। यानी अलग अलग आईडीज, फेक आईडीज बनाकर किसी के प्राइवेट मामला को पोस्ट किया जाता है, तो इसके साइबर बुलिंग कहा जाता है। कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज इस साइबर बुलिंग की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। इसकी एक बहुत ही मशहूर मिसाल है हरियाणा फरीदाबाद का रहने वाला अरवी मल्होत्रा, जिसने 17 साल की उम्र में 15वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। इस स्टूडेंट को सेक्सुअली बहुत ज़्यादा हरास किया गया था, बहुत परेशान किया गया था, इसकी बुलिंग की गई थी, तो इसने अपने घर के छत से 15वीं फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। और उसने अपनी सुसाइड नोट के अंदर जो बात लिखी, उसने कहा कि स्कूल हैज़ किल्ड मी और मैं इस नफरत की दुनिया में नहीं रह सकता। सुसाइड के पीछे एक बड़ा अजीब और एक बड़ा रीज़न ये है, वो लोनलीनेस, के जो स्टूडेंट अकेले रहते हैं। आप जानते हैं कोटा, राजस्थान के एक शहर कोटा के अंदर 100 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ बाहर से आकर पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने टीन एज में, जस्ट उनका 10th हुआ है और उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया है। कई स्टूडेंट इसमें से ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपने घर को छोड़े हुए होते हैं, और उनके ऊपर दीगर कई सारे प्रेशर होते हैं। इस प्रेशर में तन्हाई उनको खा जाती है, तन्हाई उनकी जान ले लेती है। अगर कोई आदमी आम हालात में अपने घर पर रहते हुए अगर परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, टेंशन में आ जाए, तो उसके माता पिता होते हैं, उसके वालदैन होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस दूर हो सकता है। लेकिन जब लोग तन्हा रहते हैं, तो तन्हाई में अगर उनको परेशानी का शिकार हो जाए, वो मतलब टेंशन में आ जाए, तो वो बहुत आसानी से सुसाइड कर लेते हैं। एक शेर किसी ने कहा है कि ख्वाबों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है, हमको इतनी लंबी वीडियो नहीं करनी है। मसलन रैगिंग एक बड़ा रीज़न है सुसाइड के पीछे। दूसरा एक बड़ा रीज़न आपके रिलेशनशिप इशू है, जो लड़के और लड़कियों के दरमियान में अफेयर्स का चक्कर होता है, तो इस बुनियाद पर भी स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। एक तीसरा एक रीज़न ये भी है कि ड्रीम कॉलेज अगर स्टूडेंट को नहीं मिल पाए, उन्होंने खूब स्ट्रगल किया, खूब मेहनत की, लेकिन उनको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उनका एडमिशन नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। आप जानते हैं कि IIT में पिछले साल में 11,000 सीट्स थी, लेकिन 9,00,000 लोगों ने एग्जाम दिया। जरा आप बताइए कि 11,000 सीट्स के लिए 9,00,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो 11,000 लोगों को कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है जिनको एग्जाम, जिनको वो कॉलेज नहीं मिल पाया, उनका क्या होगा। वैसे अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए, तो इंडिया के अंदर 1,00,000 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन एग्जाम देने वाले 20,00,000 स्टूडेंट है, तो कैसे सबको मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन बताने से पहले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस्लाम क्या कहता है सुसाइड के बारे में। इस्लाम कहता है, कुरान में है कि ला तक्तुलू अनफुसकुम, कि अपने हाथों से अपने आप को कत्ल ना करो, इन्नल्लाह काना रहीमा, अल्लाह तुम पर बहुत रहम करने वाला है। एक दूसरी आयत सूरह बकरा के अंदर है कि अपने हाथों से अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। सुसाइड करना, अपने हाथों से अपनी जान ले लेना, ये इस्लाम के नज़दीक एक बड़ा जुर्म है, एक बड़ा गुनाह है, क्योंकि
अल्लाह ताला कहता है कि ज़िंदगी एक नेमत है, अल्लाह की एक ब्लेसिंग है, और कोई आदमी अगर सुसाइड करता है तो वो गोया अल्लाह की नेमतों का खिलवाड़ करता है, उसकी नाशुकरी करता है, वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। तो इस्लाम ने ख़ुदकशी को हराम करार दिया गया है, एक बड़ा जुर्म, एक बड़ा गुनाह इसको कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने हाथों से अपनी जान लेता है, खुदकशी करता है, तो कल कयामत में वो जहन्नम में इस तरह जलेगा, यानी वो जिस तरह उसने सुसाइड किया है उसी तरह उसको जहन्नम के अंदर अज़ाब दिया जाएगा। कोई आदमी अगर जलकर अगर मरा है तो जहन्नम में जलता रहेगा। किसी आदमी ने लोहे के किसी औजार से अपने आप को हलाक किया है तो वो जहन्नम में उसी तरह अपने आप को हलाक करता रहेगा। किसी आदमी ने अपना गला घोट कर अगर सुसाइड किया है तो वो जहन्नम में अपना गला घोटता रहेगा। इस तरह इस्लाम ने सुसाइड को प्रोहिबिटेड किया है। और दूसरा जो फलसफा इस्लाम ने पेश किया है कि अगर तुमको परेशानियां अगर आ जाएं, मुसीबतें अगर आ जाए, तुम्हारी बेइज्जती की जाए, तुमको सेटबैक का सामना करना पड़े, फेलवर अगर तुमको हो जाए, तो तुम इस पर सब्र करो, अपने परेशानियों से निकलने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी अगर ना निकल पाओ तो सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा कर रखो, तवक्कल करो। क्योंकि जो आदमी मुसीबतों पर और परेशानियों पर सब्र करता है, कल आखिरत में उसको एक बड़ा अज्र दिया जाएगा। यही वजह है कि WHO के मुताबिक वो दुनिया के अंदर वो इलाके जहां खुदा का इनकार करने वाले लोग होते हैं वहां पर सुसाइड ज़्यादा होते हैं। और पूरे वर्ल्ड में ये बात भी एक्सेप्ट की जाती है कि मुसलमानों के अंदर सुसाइड का रेशो ये बहुत कम है, ना के बराबर है। क्योंकि मुसलमान के नज़दीक ये कि ये ज़िंदगी एक आखिरी, अगर ज़िंदगी ये ख़त्म होती है तो बस बात ख़त्म नहीं है, बल्कि इसके बाद भी हमको उठना है और अल्लाह के पास हमको जवाब देना है। इब्राहिम ज़ौक ने इसीलिए कहा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो हमारी आखिरी मंजिल ये दुनिया नहीं है, बल्कि इसके बाद भी हमको उठकर हमारे आमाल का हिसाब देना है। इसलिए एक मुसलमान सुसाइड नहीं करता है, इसलिए मुसलमानों के अंदर इसका रेशो बहुत कम है। दोस्तों, कुछ सॉल्यूशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हम अल्लाह पर अपने ईमान को, अपने अकीदे को मजबूत करें, तवक्कल अपने अंदर पैदा करें, और ये देखें कि मेरे स्ट्रगल करने के बाद भी, जद्दोजहद करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इसके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होगी, अल्लाह की कोई मसलहत होगी, अल्लाह मेरे लिए कोई बड़ा फैसला करना चाह रहा होगा। इस ईमान को, इस अकीदे को मजबूत करें। दूसरा, स्टूडेंट को मेंटली तौर पर स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, उनको इमोशनली स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, उनकी मेंटल हेल्थ पर को मजबूत करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ कि वालदैन अपने बच्चों के लेवल को देखें, अपने बच्चों की अहलियत को देखें कि आप जो एजुकेशन को देना चाह रहे हैं वो उसका अहल है या नहीं है, उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, कि आप अपनी बेजा तवक्कात तो उसके ऊपर थोप नहीं रहे हैं। तो इसका जायज़ा लेना बेइंतहा ज़रूरी है। और याद रखें, हर बच्चा IIT बनने के लिए पैदा नहीं होता है, हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता है। तो अपने बच्चों की सलाहियतों को फाइंड आउट करें और उसके मुताबिक उनको ऐसे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलवाएं। तीसरी और चौथी चीज़ कि कम्युनिटी ऐसी बनाई जाए कि लोगों को सपोर्ट मिले, स्टूडेंट को सपोर्ट मिले, उनकी बुलिंग वहाँ पर ना हो, उनको हरास ना किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके सामने पेश किया जाए। और ये भी स्टूडेंट को बताया जाए कि ज़िंदगी सिर्फ एग्ज़ाम और नंबरात नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर भी ज़िंदगी है। उनको खेल कूद के मौके फराहम किया जाए, उनकी हॉबीज़ को बाकायदा प्रमोट किया जाए, उनके घूमने फिरने का उनको आदि बनाया जाए, उनको बताया जाए कि रिलेशनशिप क्या होती है, रिश्तेदारियाँ क्या होती है, ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो इससे भी स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन और उनका डिप्रेशन कम होता है। एक अहम बात ये भी इसके अंदर है कि माँ बाप के अपने बच्चों के साथ ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए कि बच्चे अपने माँ बाप के सामने खुलकर अपनी बात को रखें। एक सुसाइड के ऊपर एक वीडियो मैं देख रहा था, उस पर एक बच्चे ने कमेंट किया, कमेंट ये था कि हमारे वालदैन नेवर अंडरस्टैंड कि हम कितना फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हम कितना परेशान रहते हैं इस एकेडमिक प्रेशर के अंदर, हमारे वालदैन इसको नहीं समझ पाएंगे। और इसके इस कमेंट को 3,000 लोगों ने तकरीबन लाइक किया, तो आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशन मैंने आपके सामने पेश किया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
शुक्रिया, जजाकल्ला।